सा ये इश्क है, अजब सा इश्क। आज तो बिल्कुल फिल्मी हीरो लग रहा से छोरा। एक बार शादी हो जाने दे, फिर देखियो उसके चेहरे से मुस्कान कभी हटने ना दूंगी। हाँ चल बेटा पिना। आप भी राजवीर को अंगूठी पहना दो। बस कुछ ही दिन और राजवीर, फिर देखना मैं कैसे तुम्हारे सारे ख्याल सारे ख्वाब सच करके दिखाती हूँ। है बेटा हाथ आगे करिए। देखो भाई राजेंद्र जी, बोलिए भाई साहब। अरे दिलावर सिंह जी, आप भी सुन लो जी। आप दोनों लोग जो है ना, बस इस बात का ध्यान रखना कि ब्याह के सारे रस्म और रिवाज बढ़िया से हो जाए। भाई साहब आप बेफिक्र रहो, बाकी सारी तैयारी हम करेंगे। सांगवान जी, आज तक देवताओं को सिर्फ पत्थर की मूर्त के रूप में देखा था, आज आपके रूप में साक्षात दर्शन हो गए जी। बस बस दिलावर सिंह जी बस। लेकिन यो बात तो सच है, आप लोगों की घर की अमानत बनके धन्य हो गया जीवन मारी छोरी का। पंडित जी जी, जरा पत्रा देख के बताओ अगले हफ्ते ब्याह का बढ़िया मुहूर्त कौन सा निकल रहा है। जी अभी बताता हूँ। ए छोरी बाहर ले जाके बांट लिए। लो जी अब इस दिल वाले को दुल्हनिया मिली गई। आप कि चल दिए भाई, बैठो जरा भाभी से दो चार बातें तो कर लो। अच्छी तरह जानू अपने छोरे ने, अपनी अम्मा के सामने एक लफ्ज ना निकलेगा इसके मुंह पे। ए चंचल रानी, जवान छोरा से हैं आपस में बात करने का जी तो करे, चल बाहर चल। बात कर ली है। भाई एक बार भाभी ने देख तो लो। देखो ना भाई, सुंदर भाभी से मारी एकदम हूर परी से। ए
ठीक बात ना से भाभी, एक झलक दिखला दो हमारे भाई ने। अब इनसे के सरमाना, यो तो आपके वो से वो। भाई भाभी तो घनी शर्मीली से कह रही है कि आप अपने हाथों से घूंघट उठाओगे तो ही यो मानेंगी। चलो ना भाई, उठाओ ना आप घूंघट। रानो, रहने दे। चलो कोई नहीं, अब एक दूसरे का मुंह ही मीठा करा लो। पकड़ो, खिलाओ भाभी ने। भी भाभी जल्दी से खिला दो भाई ने। भैया आइए, मैं आपको वॉशरूम तक लेके चलती हूँ। चलिए जल्दी बना दाग। भाई भी गणेश शर्मीले से। अरे राणो, तने चा मैडम जी आप। अरे जग्गी भाई, के देख रहे हो? हा? मिलो अपनी होने वाली भाभी से। के देख रहे हो आप? ना वो। नमस्ते करो भाभी ने। इनसे सुंदर और प्यारी भाभी ना मिलने वाली हम सबको। जाता ने चाची बुला रही से। आप बैठ के बातें करो भाभी से, मैं माँ के पास से होके आती हूँ। मैं समझा सकती हूँ आप? क्या समझाओ? क्या बेचारा हमारा राजवीर भाई, उसने तो पता भी ना है कि उसका ब्याह गांव के किसी अनपढ़ सिमरन से ना, बल्कि सिंगापुर वाली पढ़ी लिखी सिम्मी जी से हो रही है। आपको पता है, अगर ताऊ जी को इस बारे में पता चढ़ गया ना, तो वो तो तहलका मचा देंगे जी। हर राजवीर भाई आपके नाम से भी नफरत करने लग जाएगा। देखिए, मैं यो भी जानू कि जो होने जा रहा है, अगर वो ना हुआ तो राजवीर भाई अपनी जिंदगी तक नफरत करने लग जाएंगे। बस आप ना यूं समझ लो कि ना मैंने कुछ देखिया, ना मैंने कुछ सुनिया, ना मैं किसी से कुछ कहूंगा। लेकिन मैडम जी, एक काम मैं जरूर करूंगा, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करूंगा। थैंक यू सो मच। जग्गी, आपका सबसे छोटा देवर, आपके सबसे बड़ा राजदार। वैसे एक बात कहूं आपसे, आपके बापू को देख के ना मैंने थोड़ा बहुत तो शक हो रहा था। पर मैडम जी, हमारी बात तो ठीक है, पर अगर यो राज किसी और को पता चढ़ गया ना, तो हमारे राजवीर भाई के सपनों की दुनिया फिर से बसते बसते रह जाएगी। आप ना एक जल्दी काम करो, सबसे पहले ये घूंघट नीचे डाल दो, हाँ, और आगे से संभल कर जरा इसे उठाया करो।
मैडम जी और राजवीर भाई सही है। बहुत लकी है राजवीर, उसे तुम्हारा जैसा भाई मिला।